किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूरज अमृतकर है और मैं स्क्वाड जम्मू में पोल्ट्री साइंटिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ देखने वाले हैं फ्री रेंज और हॉर्टी पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में। जहाँ पे हम खड़े हैं वो है केले का बगीचा और उसमें हमने पाले हुए हैं देसी मुर्गे। अब ये केले के बगीचे के जो पत्ते होते हैं उसके छाव में जो कीड़े पैदा होते हैं वो कीड़े और पत्ते जो है जो हमारे जो देसी मुर्गे हैं उनका खाना बन जाते हैं और इस तरह हमारे जो मुर्गे हैं वो बड़े हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, 20 रुपये का चूज़ा जो है खरीद के लाते हैं और उसको फिर जब वो 2-3 किलो का हो जाता है तो उसको बेचते हैं। 20 रुपये का जो चूज़ा होता है वो हम उसको 1,000 रुपये तक बेच देते हैं, मतलब 980 रुपये हमें मुनाफा होता है। इसमें हमने मैनेजमेंट करना देखना होता है, जैसे कि चूजे का संगोपन कैसे करेंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जब हम चूजा पालते हैं उसमें हमने 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें वहाँ पे तापमान की जरूरत पड़ती है। अगर उतना तापमान ना हो तो चूजे मर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे जो हम पाल रहे हैं यहाँ के अगर कीड़ों की संख्या अगर कम हो तो हम आजू बाजू का जो किचन वेस्ट होते हैं यहाँ पे फ्री में ले आते हैं। बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल का किचन वेस्ट आ जाता है, ये भी अगर कम पड़े तो हम उनको सप्लीमेंट्री फीड दे सकते हैं। इस तरह हमारा जो खर्चा होता है खाने के ऊपर वो कम से कम होता है। अब ये जो मुर्गियाँ होती है उनको कैल्शियम के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट देने की जरूरत होती है, जैसे कि जो चूना मार्केट में जो चूना होता है शेल ग्रिड होती है वो हमें उसको देना पड़ता है। उसके देने के बाद उसकी जो अंडे के ऊपर की जो लेयर होती है हार्ड शेल बोलते हैं उसको, वो अच्छी बनती है। उसके बाद हमने लाइट पीरियड देना होता है, जैसे 14 से 16 घंटे हमें लाइट देना होता है। जैसे अभी ठंड का मौसम है सिर्फ 11 से 12 घंटे लाइट होती है दिन में, तो हमें यहाँ 14 से 16 घंटे लाइट रखना बहुत ज़रूरत होती है। अभी ये मुर्गे हमारे बाहर घूम रहे हैं तो ये इसमें पेट के कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो इसके लिए अल्बेंडाजॉल नाम की दवाई होती है मार्केट में, अल्बोमार नाम से आ जाती है, वो देनी पड़ती है। और भी कोई वायरल बीमारियां होती है उसके लिए हमें वैक्सीन करना पड़ता है चूज़े का, तो 7वें दिन हमें रानीखेत की वैक्सीन करते हैं, 14वें दिन हमें गंबोरे डिसीज़ की वैक्सीन करते हैं और भी कोई अगर बीमारी आती तो हमें उसकी दवाई करके चूज़ों को ठीक रखना पड़ता है। तो इस तरह हम फ्री रेंज और हॉर्टी पोल्ट्री प्रोडक्शन से आपका जो इनकम है दुगना से तिगना कर सकते हैं। किसान भाइयों सबसे आखिरी मैं यही कहूँगा कि अगर आपके घर औरतें या बच्चे ये घर में बैठे बैठे काम कर सकती हो, यहाँ पे बस चूज़ा लाना है, थोड़ा बड़ा करना है और बेच देना है और आप आपका इनकम बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ इनकम ही इनकम है और इस बिजनेस में रिस्क बिल्कुल ही नहीं है। चूज़ा बड़ा करना बहुत ही आसान है।